अयोध्या जाने का तो बहुत ही दिन से मन हो रहा था और आज ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है हमको। इस समय खड़े अपने माता जी के पार्लर में, जो कि ऐसा दिख रहा है चल रही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपको दिखाएंगे वो जर्नी की लेती जा। तो हमारा पहला स्टॉप है ये टोल से 2-3 किलोमीटर आगे। जब ये बन जाएगा काफ़ी शॉर्ट टाइम में कवर हो जाएगा लखनऊ टू कानपुर। पैसे ना होने की वजह से इन आंटी लोगों से बर्तन धुलाए जा रहे हैं यहाँ पर। गरीबी कैसी ये गरीबी है, कैसी ये गरीबी है, दिन की रोटी मिलती ना है, कैसी ये गरीबी है, मुंह के प्यासे मर जाते हैं, कैसी ये गरीबी है, सड़कों पे जो सो जाते हैं, कैसी ये गरीबी है, जो मांगे मिलता ना है, कैसी ये गरीबी है, सोने को जो बिस्तर ना है, कैसी ये गरीबी है, मिलती उनको खुशियाँ ना है, कैसी ये गरीबी है, रहने को तो घर भी ना है, कैसी ये गरीबी है, कैसी ये गरीबी है। भैया गरीब लोग जब ट्रैवल करते हैं तो अपना ही खस्ता पुआ कचौड़ी लेके जाते हैं, राइस वगैरह घर का ही, बाहर पे पैसे नहीं खर्च करते वो लोग। तो गाइस दोपहर को 12 बजे अपन निकल गए थे कानपुर से अयोध्या के लिए अपनी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई माँ के साथ। कहाँ? अयोध्या। आपको वहाँ पे चल के दिखाते हैं वहाँ की कुछ चीजें और वहाँ के कुछ स्ट्रीट फूड भी ट्राई करने वाले हैं। अयोध्या के बारे में बताने वाली बात ही नहीं है, अयोध्या तो बस अयोध्या ही है। जय श्री राम। अयोध्या जाने का तो बहुत ही दिन से मन हो रहा था और आज ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है हमको। अयोध्या अपने आप में ही एक तीर्थ स्थल है कि हम राम लला मूर्ति के दर्शन करेंगे। ये हमारा राम बेटा। सीता को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। वहाँ पर हम अपनी सीता को ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने राम जी के लिए। अगली बार नेपाल भी चलेंगे सीता को ढूंढने, अगर अयोध्या में नहीं मिली तो। अभी जब हम पिछली बार आए थे तो ये सिंगल रोड होती थी बस, पतली सी, जितनी बड़ी एक रोड है बस। देखिए मस्जिद देख लीजिए, सब दर्शन कर लीजिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अपन आ गए होम स्टे में जिसका नाम है, जो भी है ये आप देख लो। अभी अंदर चलते हैं। दिख ही नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा है। 39 इसी तरफ होगा, 32। आज का तो दिन बेकार ही हो गया, कल तो भगवान ही दर्शन हो जाते हैं। पेट्रोल पंप से फोन कर रहे हो, अभी कहा है, अभी आए। एक्सपीरियंस खराब हो गया, जबकि होम स्टे का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, हर जगह होटल से अच्छा होम स्टे होता है। वो लोग गए थे जब मामा लोग गए थे कसौली और वहाँ नहीं कहाँ गए थे, केदारनाथ के पास यार, हरसिल। जब हरसिल गए हैं तब नहीं वहाँ पे मतलब वो खाना बनाते थे बढ़िया रखते थे, और जबकि मेंटेन किया नहीं, सोफा वो ठीक ठाक ठाक पड़े या कोई आता नहीं, खाने नए 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 लोगों की वजह से। इधर बोल रही है छत्ता वाला है, देखो अच्छा छत्ता वाला भी है, ये छत्ता था तो यही सीमेंट लगा दी गई है, मैं चल सकती है। राम जी की मूर्ति लगी, जय राम जी की। नॉर्मल रहिए, नॉर्मल
अरे तो तुम लोग इनका क्या कहेंगे और बोल रहे रह गई बस इतनी देर के लिए बहुत मुंह बना ली भाई। कुछ ऐसा हमारा होम स्टे है डिसअपॉइंटमेंट प्रो मैक्स। तो गोवा वाले कपड़े पहन के अपन इस वक्त हैं अयोध्या के होम स्टे में। काफ़ी डिसअपॉइंट होके यहाँ से चल रहे हैं दर्शन करने या फिर कुछ एक्सप्लोर करने। बचपन उनका यहीं भी था। मंदिर बने अरमान का, बोलो जय श्री राम। तो यहाँ पर फोन वोन सब जमा हो जाए। ये अपना है। राम के नाम का झंडा, हाँ राम के नाम, जय श्री राम। हम नहीं रह सकते। तो आज हम लोग लास्ट लोग थे जिनके जिनको आज प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए 10 बजे। तो भाई 7 से 7 आप बिरला मंदिर आ सकते हो। 7 से 7 हम लोग थोड़ा लेट हैं, 10 बज गया है। तो अभी तो भाई यहाँ आए थे और काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस। लेडीज़ कहीं जाएं तो बिना बताशे खाए घर कैसे वापस आ जाएं, है ना। तो बस आ गए बताशे खाने। कश्मीर गए थे तो एक पुलिस वाले ने 2 रेस्टोरेंट बताए थे बहुत अच्छे। तो तब से हम किसी शहर जाते हैं तो पुलिस वालों से पूछते हैं अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वो लोग बढ़िया रिव्यू देते हैं। भाई अपन आ गए इधर साकेत रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और इधर साउथ इंडियन में डोसा। वो तो आप जानते ही हो, हमारे साथ रहे हुए हो काफ़ी समय से तो आपको पता होगा कि साकेत तो नहीं लेकिन साउथ इंडियन हमारे लिए 100% ऐसी जगह जहाँ अपन आते हैं। अब थोड़ी सी भूख शांत हो गई। तो मेरे हिसाब से ड्राइवर को ही बुला लो, वो भी खा। भाई साहब 700 में 4 लोगों ने भरपेट खा लिया, स्वाद भी एक नंबर था। तो भाई 12:10 हो गया और हम लोग लौट के अपने रूम पे आ गए और आज सिर्फ रामलला जी के दर्शन किए और एक अच्छी जगह भोजन किया। भोजन के बाद नींबू ले आए थे, सौंफ खा ली थी और अब यहाँ पे सोने के बाद कल सुबह जल्दी निकल के बाकी की जगह के कवर करते हैं। कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट। भाई लेडीज का आपस में चक्कर ही होता है, कुछ लोगों को लाइट ऑफ पसंद है, कुछ लोगों को लाइट ऑन पसंद है सोते समय। तो अभी सब में झगड़ा हो रहा है कौन ऑफ करेगा कौन ऑन करेगा कौन कहाँ सोएगा। तो अब सारे इक्विपमेंट्स को चार्ज करना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि पूरा दिन यूज़ भी किया है ना। तो अभी अपन को थोड़े बहुत मच्छर हैं यहाँ पे, फुल स्लीव्स का ये पहन के आए थे, ये पहन के सो लेंगे ताकि मच्छरों से सावधान रहे। तो रात का 1 बजा है और सोच रहा हूँ अपने बाबू से बात कर लूँ क्योंकि मम्मा लोग दूसरे कमरे में, लेकिन फिर याद आया कि बाबू ही नहीं मेरा कोई, तो ऐसे ही सो जाते हैं। क्या आप मेरे बाबू बनोगे?
प्लान है कि ये पहनेंगे आज के दिन सरयू नहा के, अभी फिर से लोअर टी शर्ट पहन के जा रहे हैं सरयू नहाने, यहाँ पे नहाने के बाद दोबारा। तो प्रभु श्री राम के बढ़िया से दर्शन इस व्लॉग में मैं किया थे, अगले दिन मैं हनुमानगढ़ी और काफ़ी सारी जगह सरयू नदी के गया था। तो दोस्तों उसके लिए आपको अगले व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये, मैंने प्लान किया था कि मैं पूरा आज ही के दिन दिखाऊंगा, मतलब एक ही व्लॉग में 20 मिनट के आसपास का व्लॉग होने वाला था, लेकिन मेरा अचानक से प्लान बन गया काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का। व्लॉग एडिट करते करते मैं आधा एडिट करके निकल रहा हूँ। मिलते हैं आपसे, इंस्टाग्राम पे सारी रील देख लो जाके, बाय।